थारे सामने दिखाने ला रहे हो जी, स्थिति माड़ी है, उनके तो पुड़िया खिलवा दो, बहुत बुरा हाल है। पुड़िया खिलवा दो सर जी, पुड़िया खिलवाने के बाद बाढ़ आ गई है पिकाओ में, गांव में तो कोनी पड़ी मौके बिल्कुल सपासा लग रही है। ठीक है, तैयारी है, थोड़ी सी ऊक चूक हुई तो गांव में पड़ने को खतरा है। गांव के लोग गांव छोड़ के भी जा रहे हैं। हां जी, ये तो जावेगा जी, ये तो जावेगा क्योंकि पानी कन्ना लाग रहा है। एक एकड़ को कोई अंदाजो को नहीं जी, क्योंकि आप पिछू ही बहुत दूर आई है, रागा भी देख लियो थोड़ा सामने। प्रशासन वही करे जी, आ जाए गेड़ा मार के देख छोड़ जाए, पांच एक पुलिसिया बस और की उसके, या तो यहाँ दो तीन जेसीबी इट्ठा हुआ है या पांच छह ट्रैक्टर होगा, जद होगा काम है। हमारे गांव में एक तो जेसीबी कोनी और चारों तरफ मने माटी की चाहिए समझते, 80% गांव खाली हो गया। अब गांव बचाने के लिए कोशिश यही है हमारी कि चारों तरफ मिट्टी की ट्राली घेर दे और हम अपने आप कसियों से बांध लेंगे। पानी का जल स्तर इतना बढ़ रहा है कि सर जी पशुओं को भी खतरा हो रहा है हमारे सबसे ज़्यादा, तो कोई व्हीकल कोई कुछ नहीं दे रही। अब जितनी जेसीबी फंसी पड़ी है संगर के अंदर, वो भी हमारे गांव की थी, वो निकल नहीं रही है अभी तक। प्रशासन मदद कर रहा है सर, ऐसी बात नहीं है, पर गांव वाले मान नहीं रहे उनकी। ये फरमाई खुर्द के अंदर क्या हुआ है कि ये कह रहे पुलिस जो रोड बना हाईवे बरनाला रोड, ये पुलियां खोलने नहीं दे रहे सर जी। ये पानी आने के कारण सर नाली टूट गए ना, इसके कारण पानी यहाँ से उठा के सामान कुएं नेपाल पर लेके जाएंगे, कुएं नेपाल पर गाँव में, यहाँ उनका नान का यहाँ पर नीचा घर है, इसकी वजह कोई पता नहीं, पानी का भरोसा नहीं है। कभी भी पानी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, यहाँ तो आ गया पास में, तो यही आ गया, पानी टूट गया नाली, इसलिए सामान लेके जा रहे हैं उनका। कितने लोग हो यहाँ से छोड़ के जा रहे हो? यहाँ से ये है पाँच, पाँच जना पाँच है, छः जने हैं, परिवार है एक पूरा, ये सारा बांध जाएगा। और भी परिवार छोड़ के जा रहे हैं? और भी इधर वाले उन्होंने काट रखा है सामान, ये ऊपर कर रहे हैं सामान को, सभी जो नीचे जो घर आ जाते हैं सारे सभी लेके जाएंगे, ये जाएंगे कुएं नेपालपुर सोगढ़ फर्स्ट के पास, वहाँ भी लेके जाएंगे सर। मकान छोड़ के वहाँ खुए नेपालपुर गांव में। क्या वजह है, क्यों जा रहे हो? यहाँ पे पानी आ रहा है जी बहुत तेज। कितने लोग जा रहे हो यहाँ से? यहाँ से छः तो ये हैं, इधर से भी जाएंगे शायद तक। खाने पीने का सामान सारा लेके जा रहे हो? हाँ जी। कहाँ जा रहे हो मकान? खुंजो जा रहे हैं। क्या वजह है, किस लिए जा रहे हो? ये पानी आएगा जी, इधर टूटेगा पानी तो, ये बनना टूटेगा ही, थोड़ा गांव वाले थोड़ा छोड़ेंगे, जद कहा खतरा ही, खतरा हमको तो हमारा कितना डूंगा ही, डूंगा बहुत है। सारे परिवार सब जा रहे हैं? सारे जा रहे हैं। खाने पीने का सामान भी लेके जा रहे हैं? ना खाने पीने का इकरा रखेंगे जी, उरे इकरा तो उरे रहेंगे भी, मेन मेन सामान है जो वो बचा रहे हैं। जब तक बाढ़ खत्म नहीं होती तब तक वहीं रहोगे? हाँ जी।